गुम है किसी के प्यार के कल रात के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि सई बड़ी ही हड़बड़ाहट में काकू के पास आएगी और बड़े ही स्टाइल में उनसे कहती आएगी नजर कि काकू अब मुझे बताइए कि मुझे क्या काम करना है। दिव्यानी भी बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट तरीके से सई का वेट कर रही होगी, लेकिन काकू उसके सामने खड़ी होती है और कहती है कि आज तुझे पूरे घर का खाना खुद बनाना है। सई ये सुनकर बिल्कुल भी शॉक नहीं होती, क्योंकि उसे एक्सपेक्टेड होता है कि काकू उसे कुछ मुश्किल काम ही देने वाली है। सई बहुत ही खुश मिजाज अंदाज से एक तरफ करिश्मा खड़ी होती है, दूसरी तरफ पाखी उन दोनों की तरफ देखते हुए कहती है, बिल्कुल मैं खाना बना दूंगी, लेकिन खाना बनाने में मेरी कोई हेल्प तो करेगा ना, क्योंकि किसी ना किसी को मेरे काम में मदद तो करनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, अक्कड़ बक्कड़ करते हैं और जिस पर जो आता है उसका काम डिसाइड होगा। सही ऐसे ही करती है और अपने बच्चे वाली क्यूट सी हरकत से कहती है भवानी के सामने कि यहाँ पर जो करिश्मा है वो सब्जियां काट देगी और जो पत्रलेखा दीदी है वो सारे मसाले पीस देगी। ये बात सुनकर पाखी को थोड़ा बुरा लगता है और वो मुंह बनाने लगती है। अब देखना होगा कल रात के एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आखिर कैसे होता है सई का ये चैलेंज कंप्लीट और क्या करता है विराट सई की ये एक्टिविटी देखने के बाद कि वो एक तरफ पाखी से मसाले पिसवा रही है, दूसरी तरफ करिश्मा से सब्जी कटवा रही है, ठीक वैसा ही जैसा उसके साथ पहले इन लोगों ने सलूक किया था। तब क्या होगा विराट का और श्विनी का रिएक्शन, ये देखना होगा, काफी इंटरेस्टिंग।